अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट वकार अजीम बर्ड चैनल में वेलकम करता है। अच्छा, आज मैं बात करूंगा कुछ हवाले से जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुर्गियों से आयन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ताकि थोड़ा बहुत उनका खर्चा चलता रहे। तो उनके हवाले से है कि वो किस तरह से आयन कर सकते हैं। तो जिन भाइयों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, गोल्डन रखी हुई हैं, तो अगर उन्होंने गोल्डन रखी है तो यही बात है उनकी भी, वो केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, दाना पानी फर्ट करते हैं। तो उसके साथ आप ये कर लें कि थोड़े जो असील हैं वो भी रख लें, देसी मुर्गियां रख लें जो कड़क होती हैं, ठीक है, कड़क होती हैं। इससे यह है कि वो चूजे उनके घर के निकलते रहेंगे, जो बच्चे अंडे निकलते रहेंगे वो उनके नीचे रख के बच्चे निकलवाते रहेंगे, चाहे असील के हैं। फिर जो फैंसी मुर्गियाँ हैं उनका कारोबार आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप उनसे जो है किसी से अंडे ले सकते हैं, या ये है कि मुर्गियाँ खुद चार पांच पेयर जो है वो रख सकते हैं, उससे ये जो अंडे देंगे वो आप उन क्रॉक मुर्गियों से के नीचे रख के आप बच्चे निकलवा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इस तरह यह है कि आपका जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी, आपके अंडे भी होते रहेंगे घर के, उसके साथ साथ आपका जो अर्निंग प्रोसेस है वो भी चलते रहेंगे। तो ये मैंने सात मुर्गियाँ लेकर रखी हुई हैं, जो अभी इंशाल्लाह ताला ऐसा समय और मज़ीद जो है वो कोशिश है कि फैंसी मुर्गियाँ भी लेके आऊँ और उनके अंडे, क्योंकि ये दो तीन मुर्गियाँ हैं जो क्रॉक की हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं भी उसके जो है अंडे रखूँगा फैंसी मुर्गियों के। तो ये उन भाइयों के लिए जिन्होंने थोड़ी मेहनत करते हैं तो उसके लिए ये हो जाता है, जहाँ वो दूसरी मेहनत कर रहे हैं इतना दाना पानी डाल रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी चलता रहे, ताकि ये है कि आपका एक सिस्टम चल जाएगा, दाना पानी का खर्चा है और उसके अलावा आपकी जो गाय का अर्निंग शर्निंग है, जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी आप गेन कर सकते हैं। तो जो मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल से, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियो है उन तक पहुँचती है।